हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अच्छा ठीक चा। आज फिर आपके साथ दूसरे ब्लॉग के साथ मैं आया हूँ। आज अपना गांव सोचा आज अपना गांव आपको दिखाऊं। हाँ बिल्कुल, ये मेरा दोस्त है रणधीर गुप्ता। हाय, ये बहुत करीबी है मेरा, जिगरा है। और आगे आज मैं आपको अपना गांव का कुछ नज़ारा, गांव में क्या है क्या नहीं है। मेरा गांव बहुत प्यारा है, हर किसी का अपना गांव बहुत प्यारा होता है सर। ऐसे ही आप लोगों के साथ मैं फर्स्ट ब्लॉग एक बनाया था और ये मेरा दूसरा ब्लॉग है। आप लोग प्यार ज़रूर दीजिए और आपसे आशा करते हैं कि ऐसा ही प्यार हमसे बनाए रखें। चलिए मंदिर का दर्शन आपको करवाते हैं, पहले शुरुआत अपने मंदिर से। ये हमारे गांव का राम जानकी मंदिर है जो बहुत पुराना है, और इसके बगल में ये पोखर है और पोखर के उस पार एक चिमनी उद्योग है। ये हमारे गांव का बस सुहाना नज़ारा है। जो भी यहाँ, ये बहुत ही पुराना एक पीपल का पेड़ है जो अभी तक है, और यहाँ एक नारियल का पेड़ था जो लगभग 20 फीट के आसपास था, वो कट चुका है। यही हमारा गाँव है और यही हर गाँव आदमी का प्यारा होता है। चलिए आगे हम आपको अपने मंदिर का दर्शन करवाते हैं, फिर जाके अपना गाँव घुमाएंगे। बने रहे हमारे साथ DS की दुनिया में। मैं धर्मेंद्र कुमार आप लोगों को तहे दिल से प्रणाम नमस्कार करता हूँ। ये श्री लाल बिहारी शाह रौनियार जो कि गुजर गए हैं, वही बनवाए हुए थे ये मंदिर को। और यहाँ आप देखिए फर्स्ट क्लास टोटली, ये बहुत ही पुराना है जो भव्य, ये शिवलिंग है, शंकर है। और ये घंटी आपको बजा के दिखाते हैं, फिर यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ श्री राम जानकी मठ है और ये इसका कल वगैरह सब है, तो काफ़ी बढ़िया नज़ारा है। आप लोग सुबह में आइए देखिए, यहाँ इसका फूल का गार्डन है जो अभी कुछ ही फूल फरा हुआ है। बाकी जय सीताराम, राम राम राम, जय श्री राम। गांव से घूमते घूमते नदी पे भी आए, सोचे थोड़ा नदी का भी दृश्य आप लोगों को दिखा दे, अपने गांव का प्यारा सा नदी। ये नदी अधवारा नदी कहलाती है, इसका नाम है अधवारा, जो अभी पानी बहुत कम है। और ये नेपाल से आती है और यहाँ आगे तक जाती है पुपड़ी होते हुए। यही हमारा छोटा सा गांव, प्यारा सा गांव है। गांव का जीवन ही सदा अनमोल जीवन होता है। और ये नदी के ठीक बगल किनारे में ये माता फुलेश्वरी दाई महारानी का स्थान है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। चलिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर दीजिए, सपोर्ट कीजिए। ऐसे ही आप लोगों को हर दिन एक नया ब्लॉग बनाने का मौका दीजिए कि लाइक शेयर दीजिए, तब तो मेरा भी हौसला बनेगा आप लोगों के सामने हर दिन एक नया वीडियो लाऊं। ये देखिए ये फुलेश्वरी दाई महारानी का स्थान है, ये बहुत ही पुण्य है, पूजनीय है, लोग यहाँ पूजे के लिए आते हैं। ये बगल में एक विशाल पीपल का पेड़ है जो बहुत ही काफ़ी पुराना है, आप देख सकते हैं। ये हमारा गांव है मधुरापुर, जो बिहार में पड़ता है, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट बाजपट्टी ब्लॉक के अंतर्गत मधुरापुर पंचायत है। काफ़ी ही एक गांव है, एक टाउन नहीं बोल सकते हैं इसको, क्योंकि गांव गांव ही होता है और गांव का मज़ा शहर वाले क्या जाने। यही बस प्यारा सा है। चलिए आगे भी आपको हम दिखाएंगे। हमारे गांव के चाय की दुकान जहां हम चाय पीने आते हैं, और यहां चाय पीने के लिए ही बैठे हुए हैं। चाय हमारा बंदा है, पिएंगे। Thank you.